मामला मथुरा जनपद के थाना कोतवाली स्थित कस्बा छाता का है, जहां डॉली भार्गव नामक युवती की शादी दिल्ली निवासी युवक से की गई, जिसकी तलाक 2011 में हो चुका, जिसे लेकर 15 लाख की रकम ससुराली जनों के द्वारा लड़की को तलाक के वाजी के रूप में दी गई, जिस पैसे से एक मकान महिला के द्वारा लिया गया, जिसकी राष्ट्रीयता ने युवती को झांसा देकर अपने नाम करा ली और युवती को कुछ सालों 17 नवंबर को परिवारजनों के साथ में हमला कर बाहर निकाल दिया और तलवारों से उसके पैर में चोट पहुंचाई, जिसे लेकर महिला 112 पर कॉल के माध्यम से छाता थाने पहुंची, जहां उसकी कोई सुनवाई नहीं, मेडिकल के बहाने खाना पूर्ति कर अस्पताल भेज दिया गया, जहां छाता अस्पताल से उसको गंभीर अवस्था में देखते हुए मथुरा रेफर कर दिया गया। लेकिन इतने दिनों के बाद आज भी युवती का हाल जानने कोई भी पुलिस अधिकारी नहीं पहुंचा। रिंकू और धर्मेश नामक दरोगा पर भी युवती ने परिजनों के साथ देने का आरोप लगाया। आप देखना यह होगा कि योगी सरकार के महिलाओं के सुरक्षा को लेकर दिए गए आदेशों का पालन छाता पुलिस के द्वारा किया जाता है या फिर युवती और उसका बच्चा स्टेशनरी की भेंट चढ़कर रहेगा। जनपद मथुरा से ब्यूरो मनीष शर्मा की विशेष रिपोर्ट। नाम है आपका? डॉली भार्गव। कहाँ की रहने वाली है? छाता। अरे क्या कुछ घटना घटी है, छूट कैसे आई है? मेरी घटना, मैं 27 तारीख को अपने घर में कपड़े निकालने के लिए गई थी, तो उसी समय मेरे दो अज्ञात आदमियों ने मेरे गेट खटकाया, तो मैंने उनने मेरी मतलब इज्जत पर असलियत हमला करने की कोशिश की थी। मैंने जैसे गेट खोल के अल्लाह मचाया तो मेरे भाई बाहर थे और मेरे भतीजे योगेश भार्गव ने मेरी तलवार भोंक दी, मैं वहीं गिर पड़ी थी। फिर भाइयों ने, क्या क्या नाम है भाइयों का? भाइयों का नाम है राजकुमार, संजय भार्गव, अशोक भार्गव, योगेश भार्गव, भतीजों के नाम नगेंद्र भार्गव, अमन भार्गव, भाभियों का नाम है सुनीता, निशा। क्या किया इन लोगों ने आपके साथ? उन्होंने मुझे लट्ठों से बहुत मारा था और तलवार मेरी जैसे योगेश भार्गव ने घोंपी थी तो मैं तुरंत गिर पड़ी थी, और मेरे भतीजे नगेंद्र के हाथ में 315 का कट्टा भी था। जैसे ही मुझे मौके पर पुलिस आई, किसी ने फोन करा था, उन्होंने मेरी जान बचाई तो वो फरार हो गए थे। उन्होंने मुझे बचा करके मुझे थाने में ले गए थे। फिर थाने में क्या हुआ? थाने में मुझे अस्पताल में छोड़ दिया था और मेरी मतलब मेडिकल बनवा करके थाने में ले आए थे, और उनके साथ दो उनके फेवर के आदमी थे, उनने पता नहीं क्या करा था मेरे साथ, लिखा पड़ी। मैं तो अकेली हूँ, मैं तो अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मुझे फिर मथुरा के लिए रेफर कर दिया यहाँ पे। इस थाने में आपकी FIR दर्ज हुई? नहीं हुई। अभी आप क्या चाहती हैं? मेरा वकील गया था एप्लीकेशन लेके तो उनने मना कर दी, उनने मेरी रिपोर्ट नहीं ली। उनके यहाँ एक रिंकू दरोगा रहता है, एक दुर्गेश रहता है, उनकी पूरी पैरवी कर रहे हैं। मैंने पहले काफ़ी समय पहले भी बहुत रिपोर्ट दर्ज करी वकीलों के द्वारा, वैसे SSP पे सब जगह किए मैंने, मेरी कोई सुनाई नहीं होती, नेगेटिव लगा के भिजवा देते हैं दोनों। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ मेरा घर मिल जाए, या मुझे मेरे घर जीतने का बिखरा मुझे पैसे मिल जाए, या मेरे 15.5 लाख की मुझे 12-13 साल की ब्याज मिल जाए। मुझे कुछ नहीं है, मुझे बैंक ब्याज ही मिल जाए। जब मकान किसका है वो? मेरा मकान मेरे पापा के नाम, पैसे मेरे थे, मकान मेरे पापा ने अपने नाम करा लिया था, तो मैंने बोला पापा मेरे नाम करा दो, तो कह रहे थे पैसे ज़्यादा लगेंगे बेटा, तो मैं चुप हो गई थी। तो मेरे पापा ने मेरे लिए वसीयत करी थी 2011 में करी थी एक वसीयत, 2017 में तोड़ रही थी, और पूरी प्रॉपर्टी पे मेरे मकान को छोड़ करके पापा ने भाइयों के नाम पूरी प्रॉपर्टी की तीनों भाइयों के नाम वसीयत कर दी है, खेत पे सब मेरे मकान को छोड़ करके। उसने लिखा था कि ये मकान मेरी बेटी का है, इस मकान से तीनों भाइयों को कोई लेना देना नहीं है। और फिर एक वसीयत मेरी 2017 में तोड़ करके फिर 2019 में करी है रजिस्टर, 2020 में तोड़ दी अब तक 2 महीना पहले। तो ये मारपीट मकान के झगड़े को लेके हुई? मारपीट इसी के लिए, इसकी कीमत ज्यादा हो गई है, ये 9 लाख का लिया था, इसकी कीमत ज्यादा बढ़ने के लिए मेरे भाई और बाप की नियत में खोट आ गया, इसलिए मुझे छाता से भगाना चाहते हैं।